नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। बणी में लगाया गया खुला दरबार, उपायुक्त ने व्यायामशाला का किया उद्घाटन। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बणी में शमशान घाट के लिए दिए 25 लाख रुपए, बणी में गलियों के निर्माण के लिए दिए 2 लाख रुपए। खुले दरबार में उपायुक्त सिरसा व हामिद अख्तर पुलिस अधीक्षक ने सुनी शिकायतों की संख्या 600 से ऊपर रही, जिसमें आधी से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया और सबसे अधिक शिकायतें बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित रही। बणी राजस्थान के बॉर्डर पर होने के कारण आखिरी गांव है, इसलिए नशे का प्रकोप भी रहा ज्यादा। नाटक कर नशे के प्रति किया गया जागरूक, पुलिस अधीक्षक ने बणी में नशे की रोकथाम के लिए कहा कि लगाए जाएंगे फोर्स और गाड़ियां। पुलिस अधीक्षक ने नशे के प्रति सुनी 30 शिकायतें। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। रानिया खंड के गाँव बणी में जिला प्रशासन द्वारा खुला दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई और उन्हें मौके पर ही निदान किया गया। जिला उपायुक्त ने बड़ी में सेवाओं के लिए व्यायामशाला का विधिवत उद्घाटन किया और इसके अलावा वहीं खिलाड़ियों से रूबरू हुए। जिला उपायुक्त ने पूरे गांव का भ्रमण किया तथा विकास कार्यों का मौके पर जाकर के मुआयना किया। उन्होंने बड़ी में बन रहे स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही सामग्री का जाँच करवाने के लिए आदेश दिए। इसके अलावा पूरे बणी गांव में अवैध कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि इसकी पैमाइश करवाकर अवैध कब्जों को तुरंत हटवाया जाए। जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। गांव के सरपंच राम सिंह ने गांव में कई समस्याओं का जिक्र किया। वह सरपंच ने गुरुद्वारा रोड पर विवेकानंद स्कूल का रास्ता इंटरलॉक तालुका बनवाने, अनाज मंडी में सरकारी स्कूल का रास्ता इंटरलॉक का बनवाने व इसके अलावा कई गलियों के इंटरलॉक बनवाने की मांग रखी। इसके अलावा मांग पत्र में गाँव में अवैध कब्जों का जिक्र किया व सरपंच ने अनाज मंडी के लिए सब यार्ड बनवाने की मांग रखी। खुला दरबार के दौरान सरपंच ने कन्या प्राथमिक विद्यालय को अपडेट करने व उच्च विद्यालय का निर्माण करवाए जाने पर गणित, हिंदी, संस्कृत, स्वास्थ्य शिक्षा, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस व स्टाफ, इन सब की स्टाफ की व्यवस्था करने की भी मांग की। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। सभी बैठ जाएं, जो आगे भाई है वो बैठ जाएं। अब मैं सरपंच साहब से आग्रह करूंगा, स्वागत करेंगे सरपंच साहब। सरपंच साहब राम सिंह जी सारण एक एप्लीकेशन लिख के दें, ये मेरा बंदा लिखवा लेगा। प्लेन पेपर पे पेपर लीजिए, लिख के दीजिए। नाई वाला ग्राम करते ऐसे कौन है? नाई वाला जीपी नाई वाला है, किसने रेजोल्यूशन दिया? नाई वाला से कौन है? खुला दरबार जो है आज बणी गांव में लगाया गया है और इसमें सारे प्रशासन के जितने भी ब्रांचेज हैं वो आज यहाँ पे काउंटर रूम के खुला था। पुलिस की तरफ से भी यहाँ 2 काउंटर्स खोले गए थे और टोटल पुलिस प्रशासन को 24 कंप्लेंट्स जो हैं जो हमने अभी यहाँ पे लोगों से मिल के लिया है वो हमारे पास आई हैं। टोटल इतनी शिकायत बनी कि पहले भी आ रही थी और अभी सरपंच साहब भी मिले हैं, यहाँ लोग भी मिले हैं, ये बच्चे उम्मीद क्लब के जो हैं इन्होंने भी डिस्कशन किया है थोड़ा सा। इसमें जो बातें आ रही हैं निकल के वो नशा के बारे में आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो जो भी इन पे इस पे इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करने का हम प्रयास करेंगे और जो एक सटीक जो कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ वो हम ज़रूर करेंगे। जो बुराई है जो समाज में फैली जा रही है ये बहुत ही अच्छा रहेगा और मैं यहाँ अपील करूँगा इस गांव के जो भी लोग हैं, जो गार्जियन हैं, जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, महिलाएँ भी आगे आई
समाज को भी आगे आना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं अश्योर करता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ वो मैं करूँ। कोई दिक्कत थी यहाँ नहीं थी, फोर व्हीलर गाड़ी तो स्टाफ की भी थोड़ी कमी है, उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। गाड़ी ऑलरेडी हमने अवेलेबल करा दिया है, हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस जो है चौकन्ना रहे और जहाँ भी शिकायत आए तुरंत उस पर एक्शन हो, तो कार्रवाई हम कर रहे हैं। बाकी जो जो दिक्कतें हैं वो तो हम फेस कर ही रहे हैं, लेकिन हम नशा के ऊपर हम चाहेंगे कि जो हमारी एक प्रबल प्रहार जो हमने एक मुहिम चला रखा है उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम जो गांव वालों आसपास के जो गांव वाले यहां पर आए हैं, जैसे कि लगभग 7-8 गांव के जो लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनकी जो कॉमन डिमांड्स हैं वो भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो हम MP-LAD से, डी प्लान से, पंचायत समिति से, जिला परिषद से, जहाँ कहीं से फंड उपलब्ध हो पाएगा हम आसपास के पूरे क्लस्टर का विकास करने का प्रयास करेंगे। अवैध कब्जों की शिकायत इस गांव में भी आई है और इसके आसपास के जो क्लस्टर है वहाँ से भी आई है, तो निशानदेही इनके करवाई जा रही है। निशानदेही करवाने के बाद जो अवैध कब्जा पाया जाएगा उसको नियमानुसार हम गिराएंगे। और यहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगा है और पशुओं के लिए भी कैंप लगा है। केवल पशुओं की बात करें तो 1032 पशुओं का आज इन्होंने चेकअप किया है। और हेल्थ चेकअप के बारे में मेरे को अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कितने लोगों ने हेल्थ चेकअप करवाया है। बाकी सभी स्टॉल्स पे फुटफॉल काफ़ी अच्छी रही है और जो अभी शिकायतें ही आई हैं तो कम से कम 200-250 शिकायतें, 200 शिकायतें तो केवल BPL वालों की ही हो गई हैं, BPL की जो डिमांड है। लेकिन अगर सभी विभागों का मिलाया जाए तो कम से कम 500-600 शिकायतें हम कह सकते हैं आई हैं और सभी तरह की शिकायतें हैं जिसमें सभी विभाग शामिल हैं। सभी के जो प्रायोरिटी बेसिस पे हम समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। हम खुले दरबार में बनी गांव जो कि खंडरानिया में पड़ता है वहां पर आए हैं, सभी अधिकारीगण आए हैं और यहां पर सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए हैं जिसमें के सभी विभागों के जो ऑन अभी मौके पे जो काम हो सकते हैं वो किए गए हैं। उसके बाद हमने गांव वालों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक छोटी सी नाटक का मंचन किया है। उसके बाद हमने सभी गांव वालों का प्रायोरिटी बेसिस पे पहले महिलाओं का फिर पुरुषों का समस्याएं सुनी हैं और मैंने ये देखा है कि सभी गांव वालों की लगभग 50% समस्याएं ऐसी हैं जो मौके पे सॉल्व हो गई हैं, 51% जो समस्याएं ऐसी हैं जो हमें आगे अधिकारियों को मार्क करी हैं जिनकी आगामी जो है समय में रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद उन पर कार्रवाई करी जाएगी। बनने वाली हैं उनके बारे में उनको बता दिया गया है। जो गांव का PHC का निर्माण कार्य चल रहा है वो मैंने खुद निरीक्षण कर लिया है। गांव में स्कूल में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पे जो काम चल रहा है उसका भी निरीक्षण कर लिया है। जो शमशान घाट है उसके लिए इमीडिएटली 25 लाख रुपए क्योंकि इनकी डिमांड है और शिवधाम नवीनीकरण योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी की चल रही है तो उसमें 25 लाख रुपये हमने सेंक्शन किए हैं। 20 लाख रुपए की गलियां इमीडिएटली जो हमारे को लगा रिक्वायरमेंट है वो सेंक्शन करी गई हैं। जी सर, ये सरकार का ओडिशा का बहुत अच्छा सहयोग है जिससे क्योंकि हमारा गांव बिल्कुल लास्ट कोने पर है, इस करके लोगों को समस्या होती थी, टूटी हुई सड़कें हैं, 2.5 घंटे बस पे जाके लगते थे और वहाँ पे भटकते थे दर दर, अनपढ़ लोग हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको समस्या होती थी। बहुत अच्छा सारे कदम है, हर लोगों को घर बैठे ये सुविधा मिली है, लोग जागरूक हुए हैं और उनके काम निपटाए हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सरकार का। मैं डीसा का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव में आकर उन्होंने सुध बुध ली और गरीब लोगों के अनपढ़ लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इसके प्रति लोगों का बहुत अच्छा रुझान रहा है, लोगों ने अपनी शिकायतें यहां पर दर्ज कराई और बहुत हद तक लोगों की शिकायतें हैं उनका हल भी किया गया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कि हमारे सब यार्ड अनाज मंडी की थी, शमशान घाट की थी, 2 रोड हैं उनकी थी, स्कूल में जो लड़कियों का स्कूल अपग्रेड की थी, कुछ मांगे हमारी पेंडिंग रख दी गई है लेकिन बहुत सी कुछ जो ज़्यादातर मांगे हमारी मान ली गई है। हमें 25 लाख रुपए शमशान घाट के लिए दिए गए हैं, 20 लाख रुपए गलियों के निर्माण के लिए दिए गए हैं, उसके लिए मैं DC साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सरकार ने जो ये कदम उठा रहे हैं कि नाइट में रुकने का, तो इससे लोगों की जो हेजिटेशन है वो दूर होगी, अफसरों से मेल मिलाप बढ़ेगा, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है।